लाखा मंडल। ये गांव जो उत्तराखंड में है और इसी में है एक मंदिर जिसकी वजह से इस गांव को ये नाम मिला। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, लाख और मंडल। लाख मतलब बहुत सारे और मंडल का मतलब मंदिर। एक समय में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यहाँ बहुत सारे शिवलिंग मिले थे और इसी वजह से इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। मान्यता है कि ये जगह महाभारत का लाक्षा ग्रह थी। साथ ही कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जितना मुझे जानने को मिला वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। मैं यहाँ चक्राता पहुँच गया था कल 3:30 के अराउंड और मेरे को यहाँ पे रूम मिला है। यहाँ की जो मेन मार्केट है सदर बाजार में, वहाँ पर रूम बहुत बढ़िया है, लोग भी बहुत बढ़िया हैं और इस मार्केट में आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। एक छोटा बाजार है पूरा कंप्लीट। तो आज मैंने सोचा है कि लाखा मंडल जाऊंगा। लाखा मंडल यहाँ से 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे, आई थिंक 64 या 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ के जो व्यूज़ और वैलीज हैं वो बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं। तो आप साथ में रहना, मैं आपको दिखाता रहूँगा, लेट्स गो। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार बावर रीजन में आता है और देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पे मसूरी यमुनोत्री रोड पे पड़ता है। वल्चर्स कितने सालों बाद देखे हैं आज। यहाँ के रास्ते जितने खाली नज़र आते हैं और दूर दूर तक ग्रीनरी और ये सब, बहुत ही मतलब अलग एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा मन करता है कि बस राइड करते ही रहो, धीरे धीरे, बाइक भगाने का तो मन ही नहीं कर रहा। चक्राता से लाखा मंडल तक की रोड को अच्छे से मेंटेन किया गया था और जहाँ खराब थी वहाँ भी काम चल रहा था। इतनी शांति रोड्स पे आपने कभी फील नहीं की होगी और साथ में ब्यूटी ऑफ नेचर एकदम डेडली कॉम्बिनेशन था। ये यहाँ का एक और गांव स्टार्ट हो गया है, क्वासी। लाखा मंडल अभी यहाँ से लगभग 34 या 35 किलोमीटर दूर है। पहाड़ों पे गांव भी बड़े छोटे होते हैं। इतनी देर में गांव ख़त्म भी हो गया, पूरी 5 मिनट की राइड भी नहीं होगी गांव के बीच की। अभी तक तो सड़क बढ़िया थी, अब ये ऑफ रोड शुरू हो गया। देखते हैं अभी कितना लंबा है। आफ्टर ऑल 3 या 4 किलोमीटर के बाद फिर से अच्छी सड़क आ गई। इस जगह का नाम है गोरा घाटी। यहाँ तो यार कहीं भी रुक के देख लो, व्यू शानदार ही मिलेगा। आप रास्ते में जहां भी रुक के देख लो, ब्यूटीफुल वैलीज एंड व्यूज ही नजर आते हैं। मैं जहां भी रुकता था मेरे साथ तो यही होता था। रास्ते में जो जबरदस्त व्यूज मिले थे उन्होंने ज्यादा थकान होने नहीं दी थी। मैं बीच में कई बार रुका उस टाइम को जीने के लिए। वैसे लगभग 3 घंटे में पहुंच जाते हैं पर मुझे 4.5 घंटे के करीब का टाइम लगा था। मैं सुबह करीब 9 बजे होटल से निकल गया था और 1:30 से 2 बजे के करीब मैं लाखा मंडल पहुंच गया था। वहां मुझे मिले पंडित महिमानंद जी, जिन्होंने वहाँ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। पंडित जी, ये वाली जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं ये जी सर कब की हैं सर? ये सात प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की खोज गाय ने की है। गाय माता एक महाराजा की आती थी जमुना नदी पार से और शिवलिंग के ऊपर अंदर वाला जो मंदिर है शिवलिंग है इसके ऊपर दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। ये अंदर वाला जो शिवलिंग है ये सतयुग का है, उसके पीछे बड़ी मूर्ति ये सूर्य भगवान की है, विराट रूप। ये शिव है, ये पार्वती माँ है, ये गणेश जी है, ये हनुमान जी है, ये नंदी बहल है, ये कार्तिक भगवान है, ये गंगा जी है, यमुना जी है, शेषनाग है, शेर सवारी माता है, यमराज है भैंस की सवारी में, 9 ग्रह देवता है, अष्ट ग्रह देवता है,
ये खप्पर वाली माता है, इनके गलों में ये मुंडों की माला है। देवताओं का राक्षसों का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था तो देवता लोग हार मान के भागे थे। माता जी ने अवतार लिया, एक हाथ में कटार लिया, एक हाथ में कटोरा लिया। उसने एक तरफ से श्रृंगार किया, कन्या रूप में पार्वती माँ के छोटे छोटे पैर के निशाने, देखो आप ये कन्या रूप में पार्वती माँ के छोटे पैर के निशाने। जब माता जी ने अवतार लिया और शंकर पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस पत्थर शिला पे उन्होंने तप किया था। ये अंजनी माता है, हनुमान जी की मम्मी, ये टंडक नृत्य भगवान है। तो ये हर एक मूर्ति यहाँ पे प्राचीन है। इस मंदिर की खोज जब गाय ने की है तो अंदर वाला जो शिवलिंग है सतयुग का, उसमें दूध चढ़ाया गाय माता ने, और उसके इस मंदिर के ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खून के निशान है। पंजा है गाय माता का, ये देखो आप, ये गाय के खून के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ ऊपर से लेकर के और नीचे। इस टेंपल को लगभग 12 टू 13 सेंचुरी में नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर की प्राचीन नागर शैली में बनाया गया था, पर मंदिर के निचले भाग के ब्रिक स्ट्रक्चर के बेस पे इसकी ओल्डेस्ट डेट 5th टू 8th सेंचुरी तक आंकी जाती है। दुर्योधन ने के लिए ला का महल बनाया था, लक्ष्यगृह है वो, ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लाल ईट है, चारों तरफ यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है वो विदुर ने बनाई। विदुर की सेना चूहे थे और चूहों ने और विदुर ने मिल के यहाँ से सुरंग बनाई। नीचे सड़क पे आपको आते समय एक गुफा मिली है। मंदिर दर्शन के बाद जब आप मसूरी की तरफ जाने वाली रोड पे लगभग 1 किलोमीटर तक चलते हैं तो एक गुफा दिखाई देती है। कहा जाता है इसी से निकल के पांडव लाक्षाग्रह से बचे थे। वहीं अगर आप मंदिर से चक्राता वाले रास्ते पे जाते हैं तो थोड़ी ही दूर पे दो और गुफाएं देखने को मिलती हैं। उस गुफा के अंदर जाके आपको अंदर जाके शुरू में अंदर जाके गुफा में जाके अंदर आपको इतनी छोटी शिवलिंग मिलेगी। उसके ठीक सामने से जो सुरंग होगी वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। उसके बगल में दूसरी सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। तीसरी सुरंग उसी के अंदर है, फिर वो तीसरी सुरंग आपके जमुना जी में निकलती है। पांचों भाई पांडव लोग जमुना जी में परभी नहाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे कि हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। एक सुरंग उसके अंदर, फिर चौथी भी है वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। ये शिवलिंग ये मंडलेश्वर महादेव के नाम से है। जो आदमी जो ये जो लेडीज या पुरुष या छोटा या बड़ा जो इस इलाके में मरता था, इस लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गाँव आते हैं, 24 गाँव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे, इस जगह पे उनको बैठाते थे और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उसने जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये शक्ति थी यहाँ पे, ये शिवलिंग ये मंडलेश्वर महादेव के नाम से है। इस सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। फिर त्रेता युग आया, राम जी का अवतार त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये भगवान है, इसका हीरी मोती का मुकुट है, ये भगवान है, इसका हीरी मोती का मुकुट है। ये राक्षस है, इसके खोपड़ी पे मशान का निशान है, आँखों से ऊपर उसका एक सिर दूसरा है खोपड़ा। जैसा ये घास मट्टी है, ये मैदान है, ऐसा ही मैदान पहले इनके ऊपर था। ये सारे मंदिर ये सारे शिवलिंग अंडरग्राउंड थे, ये 2007 में ये खुदाई में निकले हैं। यहाँ इस माँ के दर्शन करने से जैसे आप लोग दर्शनगण
जितने भी यात्री लोग दर्शनगण यहाँ पे आते हैं तो माता जी को जरूर नमन करना, ये रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करना। ये शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंतारण महादेव, इसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। इस भगवान के दर्शन करने से जैसे आजकल पितृ सरा चल रही है तो आपके साथ जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार हुआ है। मंदिर परिसर में मिले 6 सेंचुरी के एक शिलालेख में बताया गया है कि ये शिव मंदिर सिंहपुरा वंश की एक राजकुमारी ईश्वरा ने अपने मरे हुए पति चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर का राजकुमार था, की सदगति मतलब स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए बनाया था। लाखा मंडल को देखना, घूमना और जानना बहुत ही फैसिनेटिंग था। पर उसके बाद मेरे मन में कई और सवाल थे, जैसे कि मैंने सुना था कि लाक्षाग्रह मेरठ के पास बागपत के गांव बारनावा में था। बारनावा को उस टाइम वारनाव्रत कहा जाता था, तो दोनों में से कौन सी जगह पे लाक्षाग्रह बना था, ये मेरे लिए अनसॉल्व पजल थी। पर लाखा मंडल वाकई एक शानदार और हिस्टोरिकल प्लेस है। इतने सारे शिवलिंग वहाँ कैसे आए, ये भी एक सवाल है। पर जो भी ये जर्नी थी बहुत ही अमेजिंग थी। अगर कभी चकराता हो तो यहाँ विजिट करने का ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में टाइगर फॉल और चिलमिरी नेक के नज़ारों के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।